हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी अलग अलग चर्चा चल रही है। कभी ब्लैक रॉक की बात आती है जो मार्केट को लेके चले जाता है 31,000 के आसपास, और उसके बाद से वापस से कुछ न्यूज़ आती है SEC की तरफ से जो ब्लैक रॉक जो है उसके अरबानों को धराशायी कर देता है, मार्केट वापस से नीचे आ जाता है। कुछ अभी साइडवेज में चल रहा है। BTC की प्राइस जो चल रही है 30,449 के आसपास चल रहा है। क्या करना चाहिए बहुत कम समय के अंदर, फटाफट आपको बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स हैं, उन पे खास तौर से नज़र रखने को आपको कहूंगा, क्योंकि वो अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट के आसपास हैं, जहां से इस महीने मुझे कुछ उम्मीद है कि एक हमें बाउंस बैक मिल सकता है। क्यों बाउंस बैक मिल सकता है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, लेकिन अगर हम फंडामेंटली चीज़ों को बात करते हैं तो थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है, ठीक है। बिकॉज़ देखिए, क्रिप्टो मार्केट जो है, जहाँ पे आप और हम जिस हिसाब से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट हमारे आपके अपोजिट चलता है। ओके, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ अभी एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, ताकि आप को थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए क्या करना चाहिए। देखिए, अगर हम सबसे पहले बिटकॉइन की क्वार्टरली रिटर्न्स की बात करते हैं, पिछले 10 साल को अगर हम पकड़ के बात करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, जस्ट वर्बली बता रहा हूँ, फटाफट हम कंप्लीट करेंगे। तो जो थर्ड क्वार्टर है, ठीक है, थर्ड क्वार्टर जो है वो अभी तक जो हमने देखा गया है 2021 में 25% रहा है, 2020 में 18% के आसपास, 17 में 80% के आसपास इस हिसाब से रहा है, और बाकी जो महीने वो माइनस में भी रहा है, मतलब कि मिली जुली इसमें वो रहा है, प्लस माइनस भी रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, 2022 जो था वो 3% के आसपास थर्ड क्वार्टर रहा था, राइट नाउ अभी चल रहा है -0.08 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टर आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो बिकॉज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई थर्ड क्वार्टर जो है, जुलाई मंथ जो है वो बहुत पॉजिटिव होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बट मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा बी केयरफुल रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दिखती हैं हिस्टोरिकली, हम डेटा की बात करते हैं, और हर महीने हर साल जो है बिटकॉइन के अंदर चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, SEC का जो रुख है वो काफ़ी बदल रहा है, लोगों का जो रुख है बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो को लेके, वो भी थोड़ा सा असमंजस में रहा है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसको बैन कर रहे हैं, कहीं पे इसको अप्रूवल मिल रहा है, अभी साउथ कोरिया आ चुका है जहाँ पे बिल पास किया गया, तो बहुत सारी चीज चल रही है। तो हिस्टोरिकल डेटा को एकदम पकड़ के मत चलना भी, ठीक है, बिकॉज वी नेवर नो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट क्वार्टरली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक मिलीजुली सरकार है, ठीक है। तो 2023 के अंदर अभी जो थर्ड क्वार्टर है, ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं जुलाई अगस्त और सितंबर में, इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि पॉजिटिव भी रहे, बट टोटली डिपेंड्स कि हमारा जुलाई किस हिसाब से परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अगर हम जुलाई मंथ की बात करते हैं, तो पिछले 10 महीनों की हम बात करते हैं, तो लमसम सिर्फ 3 ऐसे महीने हैं जहाँ पे जुलाई ने माइनस में परफॉर्मेंस दी है, जो भी वो भी लगभग 7% 14% सॉरी 7% है, 8% 7 से 9% के बीच में माइनस दिया, ठीक है। लेकिन जो महीने ने प्लस दिया है जुलाई मंथ ने, वो 16% 19% 25% 20 17 18 इस हिसाब से दिया है, ठीक है। डेट्स वाई जुलाई मंथ जो है वो थोड़ा सा हमें एक पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बशर्ते BTC जो है उसकी प्राइस ऊपर होनी चाहिए। और जैसे कि टेलीग्राम में मैंने लास्ट टाइम को कहा था कि देखिए, अगर आपको लॉन्ग करना है तो यू शुड वेट BTC टू क्रॉस अबाउ 32,300 के आसपास, और अगर आपको एक शॉर्ट करना है अच्छा सा, देन यू शुड वेट BTC प्राइस टू ड्रॉप डाउन बिलो 28,900 के नीचे। इसके बीच में जो BTC की जो प्राइस है, दिस इज साइडवेव्स, रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है, और कोई भी एक तरफ ये फूट सकता है, ठीक है। तो अगर आप रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, देन यू शुड बी वेरी केयरफुल विथ योर स्टॉप लॉस एंड अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन एवरी पोजीशन, ठीक है, बहुत केयरफुल रहना इसके अंदर। अदरवाइज मैं आपको कहूँगा कि जब तक BTC साइडवेव से बाहर नहीं निकलता है, यू शुड फोकस मोर ऑन द ऑल्ट कॉइन्स, जो ऑल्ट कॉइन्स बहुत नीचे नीचे हैं उनके अंदर एंट्री लेके क्विक प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं, ठीक है। तो जुलाई जो मंथ है ये ओवरऑल हम देखते हैं तो पॉजिटिव होना चाहिए एज पर हिस्टोरिकल स्टैट्स। देन अगस्त मंथ जो है वो, अगर हिस्टोरिकली बात करेंगे तो वो माइनस में होना चाहिए, सितंबर जो है वो माइनस में होना चाहिए, तो सिर्फ एक जुलाई मंथ है जो पॉजिटिव दिख रहा है, अगस्त सितंबर माइनस में दिख रहा है अगर हम हिस्टोरिकली बात करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से चांसेस ये भी रहेंगे कि जो थर्ड क्वार्टर है वो माइनस में रहे। अगर
BTC की प्राइस 35,000 से ऊपर की तरफ रहती है, तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि थर्ड क्वार्टर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, जहाँ पे अच्छी खासी बढ़त देखने को मिले। बट अगेन लास्ट दस साल का देखते रिकॉर्ड, जहाँ पे अगस्त मंथ है वो उसकी बहुत बुरी हालत है, सितंबर मंथ उससे भी बुरी हालत है। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। जो लोग कहते हैं कि ये धमाल मच जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, बहुत केयरफुल रहना। और हमेशा से मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलवेज स्टिक टू योर चार्ट्स विथ योर टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट देखो, रेजिस्टेंस देखो, उस हिसाब से ट्रेड करो। मेरे हिसाब से अगर आप हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब मैं फटाफट आपको इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं उनके थोड़े से नाम बता देता हूँ, ठीक है। मैं इन डेप्थ डिटेल एनालिसिस पे नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इथेरियम का चार्ट मैंने ओपन किया है, इथेरियम की हम बात करते हैं। तो इथेरियम का जो एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था, जो इसने यहाँ पे ब्रेक किया था, जस्ट ए मोमेंट मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे इथेरियम की करंट प्राइस की हम बात करते हैं तो इट इज़ रफली नियर अबाउट 1916 के आसपास ये चल रहा है। और अगेन ये जो लेवल है, कह सकते हैं कि 1900 के आसपास एक वापस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसने एक ऊपर की जो चैनल थी उसको ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गया था, देन अगेन रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर 1900 से नीचे आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इथेरियम वापस से लड़खड़ा के एक 1880 से लेके 1790 के वापस से चेन के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो इथेरियम जो है उसके अंदर मैं अभी आपको हाथ डालने के लिए नहीं कहूँगा, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, ओके। दूसरी चीज़, हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के मैं आपको नाम बताता हूँ। जैसे कि आपको कहूँगा मैं इथेरियम जो क्लासिक है, ओके, इथेरियम क्लासिक की राइट नो जो प्राइस चल रही है 21.5 के आसपास चल रही है, ओके। और इसमें क्या है कि ये एक ऊपर का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है जो नियर अबाउट 26 के आसपास है, तो 26 को अगर ये ब्रेक करता है तो वी आर वेरी गुड टू सी प्राइस नियर अबाउट 44 के आसपास हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको कहूँगा जब ये लेवल को ब्रेक करेगा तो ही इसके अंदर एंट्री लेनी है। अभी थोड़ा सा इसमें समय बचा है, 21 पे चल रहा है, आपको इंतज़ार करना है ये कम से कम 25 के ऊपर जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखना। और नीचे के जो लेवल अभी करंट लोकल सपोर्ट है डेट इज़ नियर अबाउट 18 के आसपास है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने वॉच लिस्ट के अंदर डाल के रखना और जो लेवल्स हैं उस पर अलर्ट सेट करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं FET की बात करते हैं, इसमें क्या हो सकता है। तो राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 0.2292 के आसपास चल रही है, और आई फील इसके अंदर थोड़ा सा हमें एक ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देखने को मेरे हिसाब से मिल सकता है, जस्ट ए मोमेंट, ओके, ठीक है। इसमें एक ऊपर की तरफ लेवल बन रहा है, सपोर्ट को पकड़ कर रखा है, तो यहाँ से एक क्विक प्रॉफिट जो होगा मैं आपको कह सकता हूँ 0.25 के आसपास जा सकता है, जो स्कैल्पिंग के अंदर आप प्रॉफिट यहाँ पे भुना सकते हैं। और इस लेवल को अगर तोड़ता है, यानी कि मैं कहूँगा अगर 0.27 से ऊपर जाता है, तो आपको एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है FET के अंदर। लॉन्ग टर्म इसको होल्ड कर सकते हैं, आपको नियर अबाउट 0.6 के आसपास जा सकता है, यानी 60 सेंट के आसपास ये मार सकता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स एकदम बॉटम पे है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इसको एक्युमुलेट करना बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं FTM की बात करते हैं, और FTM की करंट प्राइस जो चल रही है इट इज़ 0.30 के आसपास चल रही है, ओके। और ये अपने एक राइजिंग चैनल बैंड के अंदर चल रहा है, सपोर्ट को इसने बहुत खूबी से एक बना के रखा हुआ है और उसके ऊपर चल रहा है। यहाँ से एक मेरे हिसाब से एक लॉन्ग बनता है, आपका पहला जो टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 0.32 के आसपास होना चाहिए, मैं स्कैल्पिंग का बता रहा हूँ। और 0.32 जो है वो चैनल के मिड सेक्शन है, अगर उसको ब्रेक करता है देन वी आर वेरी गुड टू सी नियर अबाउट 0.36 के आसपास हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक क्विक प्रॉफिट यहाँ पे भुना सकते हैं। नेक्स्ट मैं कहूँगा आपको आवे जो है इसके ऊपर आप नज़र रखना, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट DeFi प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको गिना जाता है, और कह सकते हैं कि ये अपने 2021 के बॉटम के आसपास चल रहा है और इसके अंदर बाइंग वॉल्यूम चल रही है, इसमें हम ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। राइट नाउ आवे की जो प्राइस चल रही है 67.67 के आसपास चल रही है, लॉन्ग टर्म हम पकड़ सकते हैं इसे नियर अबाउट 137 के आसपास पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये मैं लॉन्ग टर्म आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म आपको निकलना है तो आपको ईजिली आराम से 76 से 78 के आसपास दिखा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं लाइट कॉइन की बात करते हैं, लाइट कॉइन का जो हाफिंग जो है आने वाला है, इसमें क्या हो सकता है
और अभी जो है इसमें एक चैनल के ऊपरी हिस्से के आसपास चल रहा है, 104 के आसपास चल रहा है, ओके। और इसको पहले भी जो रिजेक्शन मिला हुआ है वो 106 के आसपास ही दो बार इसको रिजेक्शन मिला है। तीसरी मरतबा इसने ट्राई किया था, हाई मारा था, 111 के आसपास मारा था। और अगर ये लमसम मैं कह सकता हूँ कि 105, 106 से अगर ये ऊपर रहता है, ठीक है, तो इसको आप क्विक प्रॉफिट के लिए लेना, ठीक है। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा देख लूँ, ओके। तो लेना इसका जो हम पहला टारगेट जो पकड़ सकते हैं नियर अबाउट 131 के आसपास मैं देख रहा हूँ, 185 के आसपास मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें लाइट कॉइन को लेकर आप पॉजिटिव रहना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा जो है ट्रेंड के साथ चलो, मार्केट की कंडीशन कैसी भी रहे, लेकिन अगर ट्रेंड आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ दिख रहा है, देन यू हैव टू गो विद द ट्रेंड, ठीक है। आप हो सकता है कि 10 में से 2 या 3 मरतबा ट्रेंड के साथ चलेंगे तो अपोजिट हो सकता है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ फाइट करने की कोशिश करेंगे तो यू आर ऑलवेज इन लॉस। और ह्यूमन मेंटालिटी ये है कि अगर हम किसी प्राइस को ऊपर देख रहे हैं, यार BTC 31-32 हज़ार के आसपास चले गया है, तो आपका माइंड यही कहेगा कि भाई इसके अपोजिट चलो, ये अब नीचे आएगा, लेकिन प्राइस ऊपर ही चलता है। सो ऑलवेज पिक द ट्रेंड। तो लाइटकॉइन मेरे हिसाब से सही है, हमने बहुत पहले भी कॉल दी थी, एंड अगेन इट इज़ वेरी गुड टू टेक लाइटकॉइन। इट्स अबाउट द जो ब्रेकआउट लेवल है उससे ऊपर है, 107 के आसपास, सॉरी हाँ 107 के आसपास चल रहा है, 131 से लेके 185 के आसपास आप पकड़ सकते हैं लाइटकॉइन के अंदर, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉइन जो मेरी नज़र पे है, बॉटम में है, वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे GRT की बात कर रहा हूँ। इट इज़ नथिंग बट ब्लॉकचेन का गूगल है, जिस हिसाब से गूगल पूरा सर्च को एक निकाल कर रखता है वेब का, उसी तरह से GRT जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर जो भी हम सर्च करते हैं ट्रांजेक्शन वगैरह उसके अंदर ये मदद करता है। और ये अपने बहुत बॉटम सपोर्ट के आसपास है राइट नाउ। इसकी जो प्राइस चल रही है 0.1044 के आसपास चल रही है, जो कह सकते हैं कि 2022 का जो एक निचला स्तर था, ओके, और बॉटम सपोर्ट था उसके आसपास चल रहा है। तो मेरे यहाँ से हिसाब से ये अच्छा खासा एक यहाँ से पंप लेगा GRT। पहला टारगेट जो मेरा होगा यहाँ पे 0.15 के आसपास होगा और 0.21 के आसपास होगा, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है, मैं चार्ट को प्योर एनालिसिस देख के बता रहा हूँ। अगेन आप लोग अपनी एकदम रिसर्च चार्ट्स को वगैरह सब कुछ देख लेना, चेक कर लेना, देन अगर आपको सही लगे यू कैन टेक एंट्री अगेन विथ स्ट्रिक्ट SL आप इसमें ले सकते हैं। SL जो होगा क्योंकि एकदम हर चीज़ बॉटम पे है, तो आप अपने जो भी फंड है उसके हिसाब से रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेट करके SL लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कॉइन बोलूँगा यहाँ पे केक जो है, ओके, केक के ऊपर नज़र रखो क्योंकि ये भी अपने एकदम बॉटम्स पे है। मैं आपको बताता हूँ राइट नाउ केक जो है ये गया था लमसम अराउंड 1.31 के आसपास गया था, और अभी इसकी जो प्राइस चल रही है 1.5 के आसपास चल रही है। इसके अंदर हमें एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है जो केक जो है उसको 3.5 से $4 के आसपास लेके जा सकता है। और अगर आप एंट्री अभी ले रहे हैं तो SL में कहूँगा आराम से 5 या 10% नीचे के आसपास रखना। नीचे का एक जो सपोर्ट है 1.4 के आसपास आपको एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होता है नो डाउट, आप वहाँ से निकल जाना और उसके बाद से वापस एक न्यू एंट्री बॉटम पे ले लेना, ठीक है। तो केक जो है इसके ऊपर भी आप नज़र रखना, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल कॉइन की, हम बात करते हैं कि जो थोड़ा सा एक चौंकाने वाली एक चार्ट्स पे एनालिसिस दे रहा है, ओके। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं USDT और USDC को लेके, जिसका टोटल जो एक मार्केट कैप निकाला जा रहा है और उसको चार्ट्स के ऊपर बनाया जा रहा है, एक राइजिंग चैनल बन रही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कवर अप करके बताऊँगा, एक राइजिंग चैनल बन रही है। तो ये जो चैनल बन रही है, इस चैनल का जब दोनों का मार्केट कैप कैंडल्स जब निचले स्तर पे हिट होते हैं, ओके, और उसके बाद से जब वो ऊपर जाते हैं, डेट टाइम BTC का प्राइस नीचे आता है, ओके। तो वो एक चीज़ है, थोड़ा सा एक यहाँ पे दिख रहा है, ओके, कि जब भी उस लेवल पे आए BTC पंप हुआ है और फिर ऊपर गया है, BTC की प्राइस ऊपर आई है। तो मैं आपको नेक्स्ट एनालिसिस में इसको कवर अप करूँगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे स्टेबल कॉइन के जो डोमिनेंस है, इज़ करंटली क्लोजिंग इन रैपिडली एट द बॉटम सपोर्ट, द
द लास्ट थ्री टाइम्स दैट द स्टेबल कॉइन डोमिनेंस रीच्ड दिस सपोर्ट इट ऑलवेज ए पिन पॉइंटेड ए लोकल बिटकॉइन टॉप एंड सिग्नल्ड एन इनकमिंग डंप। ठीक है, लास्ट तीन मरतबों से ये देखा गया है कि जब भी ये बॉटम पे हिट होता है इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे BTC का एक टॉप लगा है और उसके बाद से नीचे आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट चार्ट। मैं हमेशा चार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, तो इसके ऊपर हम अलग से एक डिस्कस कर लेंगे। बट अगेन माइंड में यही है कि जुलाई मंथ जो है डेट कुड बी ए बिट पॉजिटिव, तो उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ों को आप लोग को बताया। तो प्लीज़ उस हिसाब से चार्ट्स पे देख लेना, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि लास्ट 8 से 10 दिन मैं कहाँ था, तो मैं यहीं पे था एंड आई एम वर्किंग ऑन ए वेरी बिग प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ टोटली फॉर द कम्युनिटी, जहाँ पे आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू ट्रेडिंग, ठीक है, वो सारी सॉल्व होने वाली है। P2P के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होने वाली है। आप P2P से एक सिस्टम है जहाँ पे आप सब कुछ बाय सेल कर सकते हैं और डेली आप कुछ ना कुछ वहाँ पे अर्न कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है, प्लेटफॉर्म है, जिसको लॉन्च किया जाएगा एंड वी नेवर नो, हो सकता है कुछ टोकन्स वगैरह भी लॉन्च किया जाए, एयर ड्रॉप भी लॉन्च किया जाए। ठीक है, तो मेरा पूरा वक्त जो है भी उसी के ऊपर चल रहा है और कोशिश करूँगा इन बिटवीन टाइम निकाल के आपके साथ मार्केट के एनालिसिस ज़रूर शेयर करूँ। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।